नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GLC IAS में। आज हम 19 जून 2022 का MPBSC का अनसोल्ड पेपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारा प्ले स्टोर से GLC IAS ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अनसोल्ड पेपर। देखिए, पेपर बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके जो भी आंसर्स रहेंगे वो गुरु जी के द्वारा आपको लाइव सेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन की PDF दिख रही होगी तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 हमें देखने को मिल रही है बेतवा, शिप्रा, वैनगंगा और तवा, और सूची 2 में हमें देखने को मिल रहा है चंबल, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है आपको देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। ऑप्शन बी, ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपसोषण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। ऑप्शन डी आपको थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा होगा, बाकी मैं फिर भी आपको बताता हूँ। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है विदिशा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी उज्जैन और डी है हमारा इंदौर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए है हमारा ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है हमारा आम्नेय, ऑप्शन सी है कायतरित या परिवर्तित, ऑप्शन डी है हमारा परतदार या अवसादी। क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी है हमारा बघेलखंड या ऑप्शन डी सतपुड़ा श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिल रहा है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखने को मिल रहा होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ए 5 मई 1951, ऑप्शन बी 10 जून 1950, ऑप्शन 7 है हमारा, ऑप्शन सी है हमारा 7 अप्रैल 1948 और ऑप्शन डी है हमारा 10 जुलाई 1950। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी ईरानियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आंसर की लिस्ट आपको शाम तक मिल जाएगी गुरुजी के द्वारा, तब तक आप क्वेश्चन को देखिए। 9th क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेगोलिन को रेडियो डिटेक्ट किया है। ऑप्शन ए केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। 10th वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, फास्टेस्ट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए दूध, बी चाय, ऑप्शन सी पानी या उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंटार्कटिक महासागर या ऑप्शन बी दक्षिण अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी उत्तरी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीतिक महत्व अधिक है। पहला पाक जलडमरुद्य, ऑप्शन बी मलक्का जलडमरुमध्य या ऑप्शन सी स्वेज नहर या डी पनामा नहर। 13th क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलीद पर्वत नहीं है। सियरा नेवादा, ऑप्शन बी राकी, ऑप्शन सी हिमालय या डी आल्प्स।
क्वेश्चन नंबर 14 हमें देखने को मिल रहा है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, भारत या चीन, भारत या अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15 हमें देखने को मिल रहा है, ट्रक कृषि संबंधित है, ऑप्शन ए साग सब्जी से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी अनाज से, या ऑप्शन डी मुर्गी पालन से। क्वेश्चन नंबर 16 हमें देखने को मिल रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, ऑप्शन ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन बी गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन सी चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, या ऑप्शन डी तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 हमें देखने को मिल रहा है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 15 सितंबर, या ऑप्शन डी 21 मार्च को। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, मैं उसे स्किप कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित है, ऑप्शन ए गौड़ शैली, ऑप्शन बी भील शैली, ऑप्शन सी बेगा शैली, या ऑप्शन डी सहारिया शैली। सम्मिलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 को, जिला बालाघाट, बैतूल, खरगोन, नरसिंहपुर और संभावित उत्पाद है तुअर दाल एवं गुड़, मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, ऑप्शन सी सागौन, या ऑप्शन डी कोदो चुटकी। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं, मध्य प्रदेश का वो जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, पहला बालाघाट, ऑप्शन बी डिंडोरी, ऑप्शन सी भिंड, या ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, पहला ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, या ऑप्शन बी 12। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड मतलब BHEL का महात्मा उद्यम का दर्जा मिला है, वर्ष 2011 में, 2012 में, या 2013 या 2014 में। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, पहला महेश्वर, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है हमारा मुरैना, और ऑप्शन डी है हमारा दतिया। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन आपको विजिबल नहीं होंगे, माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोडक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में, इस शहर को कॉपर सिटी से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको देखने को मिल रहा है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करता है जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है, पहला B2B, ऑप्शन बी B2C, या सी C2B, या डी C2C। निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है, ऑप्शन ए है आपका मंडला, ऑप्शन बी है आपका शहडोल, ऑप्शन सी है आपका रायसेन, ऑप्शन डी है आपका बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के प्रचुर चित्रकार नहीं है, ऑप्शन ए नारायण श्रीधर बेंद्रे, ऑप्शन बी विष्णु चिंचलाकर, ऑप्शन सी नाना साहेब पेंसे, या ऑप्शन डी अमृतलाल बेगड़। क्वेश्चन नंबर 33 आपको देखने को मिल रहा है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधता है, ऑप्शन इसके क्लियर नहीं, मैं इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 34 पे देखिए, तुरा कलिंगी लोक नाटक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ऑप्शन है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, या फिर बघेलखंड। 35वां क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, पहला दशपुर अभिलेख, दूसरा सोहगरा अभिलेख, तीसरा सुपिया अभिलेख, या चौथा एरन अभिलेख। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्ताव संघीय प्रणाली थी, अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन बी भारत संघ, ऑप्शन सी संयुक्त भारत, या ऑप्शन डी भारतीय परिसंघ।
क्वेश्चन नंबर 37 आपको देखने को मेरा, अगेन मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इसमें आपको ऑप्शन नहीं विजिबल होंगे, आप चाहे तो इंग्लिश वाले सेक्शन से देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा 37 वाला क्वेश्चन है वो है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसके ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। 38वां प्रश्न हम देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता थी। पहला है राष्ट्रपति का आशय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का समाधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का अनुदेश या ऑप्शन डी राष्ट्रपति की सहमति। 39वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा, भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन। पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है आपका राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 40वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। अटल प्रगति पर संबंधित है, 41वां प्रश्न हमारा अटल प्रगति पर संबंधित है। पहला मंदसौर या नीमच रीजन, दूसरा धार या झाबुआ रीजन, या फिर मंडला या जयपुर रीजन, या ग्वालियर या चंबल रीजन। 42वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। पहला गांधी सागर, दूसरा ओमकारेश्वर, तीसरा अमरकंटक या चौथा बरगी। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है, पहला निशानेबाजी शूटिंग जिसे हम कहते हैं, दूसरा तैराकी या तीसरा हॉकी या चौथा क्रिकेट। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, पहला निशानेबाजी, दूसरा तीरंदाजी, तीसरा हॉकी या चौथा क्रिकेट। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है, पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा हंगरी, तीसरा स्पेन या चौथा नॉर्वे। प्रश्न नंबर 46 में आपको बता देता हूँ, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है, पहला मध्य महाद्वीप, दूसरा परिप्रशांत महासागरीय, तीसरा मध्य अंटार्कटिक या चौथा अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 47 आपको देखने को मिल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेज श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, पहला यूरेनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है जस्ता या चौथा है लोह अयस्क। 48वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है, पहला कानर नहर, दूसरा रामगंगा नहर, तीसरा शारदा सहायक नहर या चौथा इंदिरा गांधी नहर। 49वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, पहला नील नदी की निचली घाटी, दूसरा चीन के पूर्वी मैदान, तीसरा जावा द्वीप या चौथा उत्तरमुखी संयुक्त राज्य अमेरिका। 50वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत था, पहला 33.15%, 32.15%, 30.15% या 31.15%। प्रश्न क्रमांक 51 आपको देखने को मिल रहा है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, पहला अहलुवालिया, दलेवालिया, कन्हैया या शुकर चकिया। 52वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया है, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्णासाई या सी राजगोपालाचारी। प्रश्न क्रमांक 53वां आपको देखने को मिल रहा है, कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित राज भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसे कहा गया है, पहला लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले या विपिन चंद्र पाल। प्रश्न क्रमांक
54 आपको देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? पहला साबरमती, ऑप्शन बी पवनार, ऑप्शन सी सेवाग्राम या ऑप्शन डी रामांदिया। बहुत ही इजी प्रश्न आ रहा है अभी तक, तो आई होप आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं है वो आज शाम तक आपको गुरुजी के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग में देखने को मिल जाएंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 55वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किस गया प्रथम राज्य कौन सा था? जेतपुर, संभलपुर, झांसी या सतारा। 56वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? पहला विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी चंद्रपाल, ऑप्शन सी है नेता प्रतिपक्ष या ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न क्रमांक 57 आपको देखने को मिल रहा है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? पहला राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी गृह मंत्री। प्रश्न क्रमांक 58 आपको देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक 6 वर्ष से की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा, या सी कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन है पहला या तीसरा, ऑप्शन बी पहला या दूसरा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा या ऑप्शन डी केवल तीसरा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं 59वां प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन ए 4 सदस्य, ऑप्शन बी 5 सदस्य, ऑप्शन सी 6 सदस्य या ऑप्शन डी 7 सदस्य। 60वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होगी? ऑप्शन ए वित्त मंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश में। 61वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पर। वर्चुअल कीबोर्ड डैश से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। पहला पासवर्ड चोरी से, ऑप्शन बी ट्रोजन प्रोग्राम से या स्पाइवेयर से या उपरोक्त सभी से। 62वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। एक ईमेल जो एक स्रोत है स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। पहला फिशिंग स्पूफिंग या फिर स्पैनिंग या फिर स्नाइफिंग। एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है। पहला फाइल सर्वर, ऑप्शन बी प्रिंट सर्वर, ऑप्शन सी अनुप्रयोग सर्वर या ऑप्शन डी नेटवर्क सर्वर। 64वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। डैश एक समान नेटवर्क टेक्नोलॉजी नहीं है। पहला बस, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी रिंग या ऑप्शन डी ग्रिड। सच्चा न्योचित विश्वास अक्सर कहा गया है। हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी ज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। डरने की बात नहीं है, इन सब के आंसर आपको शाम तक गुरुजी के द्वारा मिल जाएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 पर हम चलते हैं। मालवा संवत इस नाम से भी जाना जाता है। पहला कलचूरी संवत, ऑप्शन बी क्रत संवत, ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन डी गुप्त संवत। 67वां क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर किट नामक छुपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? पहला मांडू, ऑप्शन बी सिरोंज, ऑप्शन सी धार या ऑप्शन डी रायसेन। 68
नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? पहला, ख्वाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ामंडल राज्य के थे। ऑप्शन सी, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऑप्शन डी, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। 69th प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? पहला इंदौर, बी मंदसौर, सी छिंदवाड़ा या डी खरगोन। 70वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं रानी नागपिन की कहानी, भवानी प्रसाद, गीत परोश सतपुड़ा के घने जंगल या हिमंत रग्नी। गजनन माधव मुक्ति वो चांद का मूड टेढ़ा है काट का सपना, केशव दास, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। प्रश्न नंबर 71 आपको देखने को मिल रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। पहला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ऑप्शन सी, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग या ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग। 72वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगा सकता है? पहला, केवल केंद्रीय सूचना आयोग, केवल राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। 73वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं को संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को या उपरोक्त में से कोई नहीं। 74वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? पहला, राज्यपाल द्वारा, दूसरा मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा या ऑप्शन डी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। चलिए हम 75वें प्रश्न पे आते हैं। अब आपको स्क्रीन पे और अच्छे से दिख रहे होंगे प्रश्न। 75वां प्रश्न हमारा, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया? पहला, 18 सितंबर 2015, 18 सितंबर 2016, 18 सितंबर 2015, 18 दिसंबर 2015 या 18 दिसंबर 2016। 76वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नामांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? पहला है HV पाटकर, निरंजन नाथ वांचू, सत्यनारायण सिन्हा या KC रेड्डी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुट से कीजिए। केवल एक एवं दो सही है, केवल दो या तीन सही है, केवल एक या चार सही है, केवल तीन एवं चार सही है। 77वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यालय के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे? पहला है प्रकाश चंद्र सेठी, ऑप्शन बी आपका गोविंद नारायण सिंह, ऑप्शन सी आपका बाबूलाल गौर या फिर कैलाश जोशी जी। 78वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। निम्नांकित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? पहला, रामकिशोर शुक्ला, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे या तेजलाल टेमरे। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पहला, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या ऑप्शन डी, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा
निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां है? पहला समान प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है हमें। पहला ऑप्शन है केवल एक या दो सही है, केवल एक या तीन सही है, केवल दो या तीन सही है, या एक दो तीन सभी सही है। अगला प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरा है गुजरता है। सूची वन में हम देखते हैं पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 30, राष्ट्रीय राजमार्ग 39, राजमार्ग 46 या राष्ट्रीय राजमार्ग 44, खुजराहो, भोपाल, सागर या जबलपुर। कूट आपको देखने को मिल रहे हैं। 82वां प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? पहला भोपाल, इंदौर, खजुराहो या ग्वालियर। नीचे देख कूट से हमें इसका सही उत्तर जानना है, केवल चार, केवल तीन, केवल तीन या दो, या केवल एक या दो। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, सारनी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, बीरसिंहपुर, उमरिया या दोगानलिया, मुंडी, खरगोन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सिंचाई परियोजना जिला देख लीजिए, पहला है बरगी परियोजना जबलपुर, तवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी बांध योजना मंडला या बारना घाटी परियोजना उज्जैन। 85वां प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। निम्नलिखित कूट से हमें इसका सही आंसर देखना है। पहला है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक या दो दोनों सही नहीं है, या एक या दो दोनों सही है। 86वां प्रश्न हम देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो हमें पता होना चाहिए, 1982, 1986, 1984 या 1980। संतुलिया कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? अंडाशय, वृक, यकृत या वृषण। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? पहला आंत्र, यकृत, अमावशी या अग्नाशय। 90वां प्रश्न हम देखते हैं, स्वक्रिय रोग इस विटामिन की न्यूनतम कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन सी। 91वां प्रश्न हम देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं सादर शब्द किसे संबंधित है? पहला संविधान, दूसरा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से, सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से या प्राकृतिक पर्यावरण से। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 1968-2 के परुंतक की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधान मंडलों द्वारा अनुस्मर्तित किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951, द्वितीय संशोधन 1952, तृतीय संविधान संशोधन 1954 या चतुर्थ संविधान संशोधन 1954। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी है आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है आपका संवैधानिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी है आपका मूल क्षेत्राधिकार। प्रश्न नंबर 94 हमें देखने को मिल रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IFM अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। ऑप्शन ए 7.7%, ऑप्शन बी 8.7%, ऑप्शन सी आपका 9.5% या ऑप्शन डी 11.5%। 95वां प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है,
मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991, 1993, 1995 या फिर वर्ष 2000। मुद्रा राक्षस के रक्षिता कौन थे? पहला हेमचंद्र, ऑप्शन बी बल्लाल, ऑप्शन सी विशाखा दत्त या ऑप्शन डी पद्मगुप्त। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, परिजात या फिर साल। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वराज का विकास थी? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। एलोवेरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होलसेल। आखिरी प्रश्न हमारा देखने को मिल रहा है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? पहला कुमारपाल, ऑप्शन बी भीम द्वितीय, ऑप्शन सी विद्याधर या अरुणा राजा। इसी के साथ हमारी पूरी पीडीएफ कंप्लीट होती है। मैंने आपको सारे जितने भी प्रश्न सारे करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद है मुझे कि आपने हमारा GLCIS का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। और हमारे ऑफलाइन बैचेस 23 जून 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी और इस सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको आज शाम में गुरुजी के द्वारा दिए जाएंगे। धन्यवाद।